दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के बारे में। दोस्तों ये एक ट्रू बेस स्टोरी मूवी है जो इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण के जीवन पर आधारित बनी है। ट्रेलर में दिखाया जाता है कि नंबी नारायण बने माधवन कहते हैं, मेरा नाम नंबी नारायण है, मैंने रॉकेटरी में 35 साल गुजारे और जेल में 50 दिन। उन 50 दिनों की जो कीमत मेरे देश ने चुकाई ये उसकी कहानी है, मेरी नहीं। फिल्म रॉकेटरी 5 भाषाओं में रिलीज होगी, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में। आर माधवन के अलावा इस मूवी में सिमरन और रजत कपूर भी अहम रोल में नजर आएंगे और इसमें शाहरुख खान का एक स्पेशल अपीयरेंस है, उनकी एक झलक फिल्म के ट्रेलर में दिखाई गई है। फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। चलिए जानते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। बात 90 के दशक की है, उस वक्त स्पेस प्रोग्राम में अमेरिका और रूस का वर्चस्व रहता था, पूरी दुनिया उनके स्पेस मिशन पर निर्भर रहती थी। भारत भी अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम पर डिपेंड रहता था। उस वक्त नंबी नारायण ने सरकार और देश को भरोसा दिलाया कि भारत भी स्पेस प्रोग्राम पर सक्षम है। उनको स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उनको इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया गया। कहा जाता है कि अमेरिका की नज़र से बचते हुए वे पाकिस्तान के जरिए रूस से क्रायोजेनिक इंजन के पार्ट्स लाए थे। साल 1994 में तिरुवनंतपुरम से मालदीव की एक महिला मरियम रशीदा को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप था कि उसने इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज दी है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे नंबी नारायण और उनके दो साइंटिस्ट डी शशिकुमारन और के चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। नंबी नारायण चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहे, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी। कहा जाता है कि ये सब कुछ अमेरिकन सरकार के इशारे पर किया जा रहा था। अमेरिका भारत के स्पेस प्रोग्राम को रोकना चाहता था क्योंकि उसका अरबों डॉलर का बिजनेस प्रभावित होने जा रहा था। उधर पुलिस जांच के बीच नंबी नारायण को देश का गद्दार घोषित करके जेल में डाल दिया गया। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनने का जो प्रोजेक्ट था वो भी ठप पड़ गया था। इस तरह देश के लिए काम कर रहे एक वैज्ञानिक को 26 साल बाद न्याय मिला। 80 साल के नंबी नारायण कोर्ट के फैसले से तो खुश हुए, लेकिन उनका कहना है कि जिन अधिकारियों ने उन्हें झूठे केस फंसाया था, जब तक उन्हें सजा नहीं मिल जाती तब तक पूरी तरह से उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। नंबी नारायण के इस संघर्ष को फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के जरिए पर्दे पे दिखाया जाएगा। इसके लिए आर माधवन की मेहनत और हिम्मत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही मायने में माधवन ने नंबी नारायण को फिल्मी आदरांजलि दी है। दर्शकों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।